हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक हम बनाएंगे। तो गुलकंद, जो रोज़ पेटल्स के साथ जो गुलकंद बनता है, उसी के साथ हम गुलकंद का मिल्क शेक हम बनाएंगे। ये जो मिल्क शेक है, इसमें रोज़ का, गुलकंद का सटल फ्लेवर आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जार में चिल्ड दूध ले लेंगे, नहीं तो आप इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून गुलकंद। तो गुलकंद मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो आप ख़रीद लें, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम गुलकंद हम डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा वो भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून में काम हो जाता है। तो गुलकंद डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि काजू, बादाम, आप चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वो हम इसमें डाल लेंगे, और गुलकंद में भी चीनी होता है, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा और मीठा चाहिए तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी और डाल लें, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं, तो अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद सभी जो चीज़ें हमने डाली हैं वो एक साथ आ जाएंगी, और गुलकंद का बहुत ही सटल फ्लेवर इसमें आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारा गुलकंद मिल्कशेक एकदम बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप चिल्ड, आप इसे सर्व करें, इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स गुलकंद से आप इसे सजा लें, और इसे आप एंजॉय करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी, और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।